तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग मोबाइल में, या बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में, जो आपका स्टेटस बार होता है और जो क्विक पैनल या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल होता है, उसको कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे और अच्छे अच्छे वहां पर फीचर्स को ऐड कर पाएंगे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गुड लक वाली ऐप में। उसके अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा वहां पर क्विक स्टार का ऑप्शन। क्विक स्टार के लिए आपको यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आप करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद डायरेक्ट अगर आप गुडलक ऐप में आएंगे, आपको डायरेक्ट उसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा, स्टाइल योर ऑन क्विक पैनल। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नीचे बहुत सारी आपको थीम्स मिल जाएगी प्री डिफाइंड पे। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे वो वहां पर एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके वहां पर नोटिफिकेशन पैनल पे आपको दिखने लगेगी। लाइक कैसे, तो आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन पैनल पे एक्टिवेट हो गई। अगर आप कोई दूसरी करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगी और वाली वो हट जाएगी। आप देख रहे होंगे ये एक्टिवेट हो गई, और अगर आप चाहते हैं इनको हटाना तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और नॉर्मल वापस आपका पहले जैसा हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, ये प्री डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर बनाने के लिए बोल देगा, तो आपको यहाँ पर ये क्रिएट कर लेना है। उसके दोस्तों यहां पर नीचे तरफ आएंगे, आपको मिलेगा विजिबिलिटी ऑफ इंडिकेटर आइकन। ये जो ऊपर आपको स्टेटस बार में जो दिख रहे हैं आइकन्स, लाइक आपका मोबाइल के नेटवर्क, बैटरी, टाइम, ये सब आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। होम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ऑन द आइडल, अगर आप चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है आपकी लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखे तो आप ये हटा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर ये जैसे मेरी सिम का नाम दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ये भी आपको नहीं दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे नहीं दिखने वाला। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे आपको नेटवर्क सिग्नल नहीं दिखे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, तो आप यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले दिख रहा है मोबाइल डेटा सिग्नल। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल डेटा सिग्नल आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे तो वो हाइड हो गए, आप दिख रहे होंगे। जैसे इनेबल करोगे वापस आ जाएंगे। आप चाहते हैं हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर SD वॉल्टी ये सब लिखा है, अगर वो चाहे हाइड करना चाहते हैं वो भी यहाँ कर सकते हैं। अलार्म लगा हाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम का क्या स्टेटस है वो हटा सकते हैं। एयरप्लेन मोड, मतलब आपको यहाँ बहुत दिए रखे हैं, जैसे आपको यहाँ सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जोन सा अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस बार पे दिखे तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं, और जिसको नहीं चाहते कि वो नहीं दिखे तो उसको आप यहाँ पर आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे क्लॉक सेटिंग में आएंगे, आपको नॉर्मल यहाँ पर मिल रहा है। अभी भी जो मेरी क्लॉक आ रही है लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, अगर आप चाहते हैं ये राइट हैंड साइड आए तो ये राइट हैंड पे आ जाएगी, और अगर आप चाहते हैं नहीं दिखे ये क्लॉक तो ये दिखना भी बंद हो जाएगी। और AM/PM भी ऑप्शन दिखे तो आप यहाँ से उसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पर फीचर दिया गया है। उसके नीचे आएगा शो नोटिफिकेशन फॉर लास्ट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन लास्ट अपडेट में आई होंगी आपको यहाँ पर दिख जाएगी एक सेक्शन वाइज, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे जो काम का फीचर, ये है शो क्विक बटन ग्रिड, आपको इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन को नीचे करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पर बटन ग्रिड का, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगर इसको ऊपर करेंगे तो आपको एक रो में 5 यहाँ पर दिख जाएंगे नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पर कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा, मतलब कि आप उसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज दी गई है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो है ओपन क्विक पैनल डायरेक्टली, ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा, ये आईफोन से रिलेटेड मेरे को लग रहा है उन्होंने लिया है, कि अगर आप चाहते हैं कि 50% पे अगर मैं यहाँ से स्वैप करूँ तो मेरे पास जितनी मेरी पेंडिंग नोटिफिकेशन है वो खुल जाए, और अगर मैं राइट साइड से खोलूँ तो सारा मेरा यहाँ पर क्विक पैनल सेटिंग खुल जाए। तो ये बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से उसके विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी विड्थ में क्या खुले। जैसे 69% तक अगर मैं यहाँ से भी करूँगा तो सिर्फ मेरी नोटिफिकेशन खुलेगी, और मैं राइट हैंड साइड से खोलूँगा तो मेरी पूरी सेटिंग खुल जाएगी। तो आप यहाँ से उसको पूरी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको स्विच भी कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत शानदार फीचर लगा ये वाला। दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा ही फीचर है, या बोल सकते हैं बहुत काम का फीचर तो नहीं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्विक पैनल या नोटिफिकेशन को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना जरूर क्विक स्टोर को, और आप इसको यूज कर देखेंगे, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।